Assalamualaikum and welcome to the podcast. Welcome, Sam. Thank you. क्या हाल चाल है? How you? Doing? Alhamdulillah. How are you? I'm doing pretty good. Pretty good. We're doing good. So let's just get into it. हम start करते हैं flood relief से. तो when I was reading up about it, जो 2022 वाले floods थे, तो they impacted a lot. And what was really fascinating about what you did is that you incorporated technology into making sure that हम

पाकिस्तान में कौन कौन से एरियाज हैं तो दे कैन सी दैट देयर और फिर जो रिलीफ एफर्ट्स हैं आप उनको कंबाइन कर सकें कि इन के एक ही जगह पे बार बार लोग जा रहे हैं राशन ले रहे हैं या फिर आ, <coughs> कोई भी रिलीफ एफर्ट्स कर रहे हैं

फ्लड्स आ गए इनिशियल रिलीफ एफर्ट्स भी हो गई बट व्हाट अबाउट रीबिल्डिंग द लाइवलीहुड्स व्हाट अबाउट द एरियाज जो अब मतलब जहाँ पे लोगों का कारोबार मुतासर हुआ या कुछ भी हुआ तो हाउ अबाउट हेल्पिंग इन सस्टेनेबल वे आपने राशन भी दे दिया आपने थोड़ा बहुत तो उनके घर भी बना दिए बट अब वो आगे क्या करेंगे तो दैट्स वेयर वी स्टार्टेड कि हम किंग हम वी आइडेंटिफाइड एन एरिया किंगरी में हमने स्टार्ट किया इट वाज इंपैक्टेड बाय फ्लड्स वहाँ पे हमने कुछ यंग स्टूडेंट्स को एनरोल किया जो कि Um, जिनकी लाइवलीहुड जिनके पेरेंट्स की या फिर उनकी अपनी इम्पैक्ट हुई थी एंडर ताकिंगलीस्ट बैच वी स्टार्टेड विद्रंट डेवलपमेंट एंड इट वॉज जस्ट अवेपेंट प्रोग्राम उसके साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट की क्लासेस भी होती थी कि हाँ तो रिमोटली एंड हाउ टू बिल्ड यूर रेजमेज अकाउंट पे कैसे आउटरीच करनी है तो इट वॉज अलिस्टिक प्रोग्राम अलॉन्ग साइड दैट देर वॉज ऑल्सो कम्पोनेट ऑफ स्पोकन इंग्लिश के वहाँ पे अब किंगी में जो भी स्टूडेंट है तो चलें फ्रेंड एंड भी सीख लिया दे नो दिल नो हाउ टू बिल्ड रेजुमे बट वो लिंगड इन पे किसी को रीच आउट कर रहे हैं तो देट विद्वेज पे उनकी इतनी ज्यादा कमानी है तो बी रेन कोर्स फॉट इंग्लिश एज वेल ताकि वो ये तीनों चीजें सीख के दे कैन फाइंड सम अपॉर्चुनिटीज रिमोटली एंड वर्क विद Um, people outside Pakistan as well. Right. I mean, a tangent pe jaare, lekin you were talking about <coughs> professional development and communication. So I see that in a lot of people, who are major cities, se bhi hai, yes. ke they have a lot of talent and they have a lot of uh, potential Unko skills. Bhi aati hai, but because they lack this ability, उससे रीच आउट कर पाते हैं किसी कंपनी को या अपना पोर्टफोलियो sort of उसको फिर कपल करें अगर कर you know, जहां पे ये वाली या नहीं अवेलेबल तो वहां पर like uh, हम सही तरह से नहीं कर पाए तो यू आर अ वेरी ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू मेक Your way through that, and I personally think you you should be the best example that Pakistani kids can follow these days because abhi pe hota ye ke you, you, you see everything, you see government, kuch nahi rahi ye wo. Hmm. and they give up before they even get started. Yeah, ke main kuch kar So, mm -hmm. I really want to know from you what that was like, and uh, you know, a ek ek sense of desolation and desperation, bhi hoti ke you see everyone around you you know getting this and that and you you feel that fire so how do you channel that fire into building something else so like how did you get motivated to do all this i'm really interested to know mm. sorry so um <laughs> i think इनिशियल चीज जो आ जाती है वो अगेन इट इज रिसोर्स कनेक्शन और mm -hmm. वो सारी चीज आपके पास है तो यू हैव अ प्ले ग्राउंड एक एटलीस्ट थोड़ा सा है तो फिर यू कैन गो अहेड अब फिर अगर मैं बात करूं कि हम अगर किंगरी में लिया में या जिन इलाकों में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं वहां पर भी इनिशियल पर्पज ये था कि वहां पे फायर भी है डिस्परेशन भी है पीपल वॉन्ट टू डू सम बट दे डोंट नो द डायरेक्शन उनको okay. नहीं पता कि किस रस्ते पे जाना है कौन सी चीज करनी है कौन सी नहीं करनी उस चक्रों में बहुत सारे स्कैम्स में भी वो पार्टिसिपेट करेंगे बहुत सारे लोग उनको पागल भी बनाएंगे लाखों रुपए लोगों के ले लेते हैं कि अच्छा आप इतने रुपए इन्वेस्ट करें और फिर ये हो जाएगा तो आई थिंक लैक ऑफ डायरेक्शन प्रॉब्लम तो मेरे लिए वो चीज जैसे सॉल्व हुई थी आई थिंक फॉर मी टेक्नोलॉजी वॉज अगेन अ बिग गेम चेंजर कि मेरे पास जब लैपटॉप आया एंड आई हैड एक्सेस टू इंटरनेट तो फिर मैंने वहां पर सर्च करना शुरू किया आई डोंट नो हाउ इट केम अबाउट कि मुझे किस तरह से वो दिमाग में कीड़ा आया कि चाहे इंटरनेट पे ढूंढते हैं क्या करना है बट आई सर्चिंग फॉर वेट तो मैं इंटरनेट पे कोई भी चीज आ रही है अच्छा मैं जाके यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करूंगी तब पता भी नहीं होता था, था कि अच्छा कौन सी साइट क्रेडिबल है नहीं है मैं <laughs> ये तो yeah, तो था कि अब कल भी स्टूडेंट से अपने बात करी थी लेकिन मुझे आज तक दुख है अ वेबसाइट बहुत प्यारी उन्होंने बनाई हुई थी इट वाज़ ग्रीन एंड व्हाइट कलर्स उन्होंने यूज किए थे बहुत मतलब सूदिंग भी थे आप एकदम एक से ट्रस्ट भी करते हैं तो देवर सिंह कि आप बारह हजार इन्वेस्ट करें और आपको हम काम देंगे महीने का बीस हजार कमाए Achha. तो I really wanted to invest in that, but मेरे पास थे काफी जगह पे जाके अब जैसे मैंने एक कोर्स किया उन्होंने भी यही मैं लाहौर में आई थी अपनी कजन के पास mm -hmm. um, तो वहां पे मैं, मैंने फेसबुक पे ही कोई एड देखा कि एक दिन का फ्री सेमिनार है हाउ टू अर्न ऑनलाइन और हम आपको एक दिन में सिखाएंगे कि कैसे आप फाइबर से पैसे कमा सकते हैं मैंने कहा चलो ठीक है वापस लगे अभी जाना है एक दिन के बाद चली जाऊंगी ये अटेंड कर लेती हूँ तो वेंट देर तो उन्होंने कहा कि हम आपको आई थिंक uh, दो महीने या तीन महीने के अंदर ग्राफिक uh, डिजाइन uh, सिखा देंगे और उसके बाद आप uh, फाइबर पे लाखों रुपए कमा सकते हैं राइट तो मैंने कहा मेरे पास तीन महीने तो नहीं है मैं तीन महीने तो नहीं लाहौर में रुक सकती मैं दो हफ्ते रुक सकती हूँ तो इज इट पॉसिबल कि मैं दो हफ्ते में कुछ सीख जाऊंगा हा, हाँ फीस जमा करा दें और ये हो जाएगा <laughs> <laughs> तो मैंने तब दस हजार रुपए लेके अम्मी से और मैंने वो कोर्स में उसमें एडमिशन ले लिया मैंने कहा चलो दो हफ्ते के लिए तो करते हैं लेट्स सी बट uh, वहाँ I, I मतलब दो हफ्ते में तो हो ही नहीं सकता बट yeah. अगेन उससे सिर्फ हुआ कि I got the direction अच्छा हाँ दो हफ्ते में नहीं पॉसिबल कि आप दो हफ्ते में एक बहुत अच्छे डिजाइनर बन जाए और फाइवर पे लाखों रुपए कमाए बट uh, ग्राफिक डिजाइन कोई स्किल है और uh -huh. इसको यूज करके यू कैन डू तो फिर मजीद वो सर्चिंग चलती रही काफी लोग मिले जिन्होंने सही गाइड भी किया फिर मैंने थोड़ी डायरेक्शन मिल गई तो इट ऑल

वो फिर मेरे से आ, हजार रुपये में एक वेबसाइट तब बनवाता था oh की wow. तो या दैट्स व्हेन इट स्टार्टेड

That's the only way to learn. You know, क्योंकि yeah. scam करके ये आप ये चीजें सीखते हैं। But uh, how do you manage the expectations of students? Because अक्सर like I said के बहुत ज़्यादा है ना courses। yeah. तो वो आके कहते हैं वो मैंने देखा था कि मैं क्या करूँ वो job work वो ये client। So how do you manage their expectations? के we're just

दो महीने में के कोर्स में इन्वेस्ट करना और वहां से लाखों रुपए कमाना तो फिर इस वजह से वो मजबूरन आते थे कुछ उनमें से इवेंचुअली ड्रॉप हो जाते थे कि नहीं मैंने नौ महीने नहीं लगाने और मुझे कुछ फॉरन करना है बट देन ओवर द टाइम अब जब वंस यू स्टार्ट सींग सक्सेस स्टोरीज तो वो एक वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है तो नाउ व्हेन वी हैव स्टूडेंट्स अब जैसे लैया में हमने जब स्टार्ट किया तो इट्स बीन टू थ्री इयर्स इन लइया तो आफ्टर थ्री इयर्स अब लइया में जितने भी एटलीस्ट uh, हमारे स्टूडेंट के नेटवर्क में जो लोग हैं या फिर जनरली जो कम्यूनिटी है तो दे अच्छा, स्टूडेंट की ये जर्नी थी यहाँ पे ये हुआ तो फिर वो इवेंचुअली थोड़ी थोड़ी एक्सपेक्टेशन मैनेज होना शुरू हो जाती है बट <laughs> अभी भी इट्स एस बिग चैलेंज फॉर एस के um, जब अभी हम अपना दोबारा कोर्स अभी हम रिसेंटली मार्केट कर रहे थे तो अगेन वही चीज के नहीं वहां तो लाखों रुपए वो कहने हैं आप कमाए hmm. तो हम क्यों आप सिर्फ पचास हजार का कहना <करें। laughs> आई थिंक <laughs> एक सॉरी एक चीज़ और भी है कि यू आर बींग वेरी वेरी रियलिस्टिक अबाउट द कोर्सेज यूर नॉट ऑफरिंग हम ये भी करवा रहे हैं वो भी करवा रहे हैं यूर टेकिंग योर टाइम इन मेकिंग श्योर के एवरी थिंग इज अपू द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स बिफोर यू ऑफर द I want to know about job अभी right marketing की बात करती कि how are your marketing exactly? Because जो target audience है शायद a lot of those people might not have access to internet Yeah, if they do hmm. they will not be uh, people जिनको वो ads uh, मतलब for example if you're doing Facebook ads तो so शायद उनको वो ads नहीं आ रहे होंगे तो so yeah. are you doing like door-to-door marketing या yeah, किस तरह Yes. So, हमारा ज्यादातर जो रिजल्ट आते हैं वो डोर टू डोर मार्केटिंग okay. से ही होता है डोर टू डोर इन सेंस के यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस अच्छा. वगैरह में हम जाएंगे तो वहां पे अब जैसे हम स्कूल्स में भी चले जाते हैं स्कूल के स्टूडेंट्स हमारा टारगेट नहीं है बट वहां पे हम जाके बता देते हैं देन वी टेल देम कि अपने जो आपके बहन भाई घर में हो उन्हें बताएं तो वी गिव दैन पम्फलेट तो वो जाके घर देंगे बहन भाई ने पढ़ लिया तो फिर अपलाई फेसबुक एड्स वी ट्राइड मतलब फेसबुक पे प्रेजेंस भी है इंस्टाग्राम पे भी प्रेजेंस है बट वहां पे ज्यादातर हमारे स्टूडेंट्स

तो वो वीडियो काफी गई थोड़े दस हजार उस पर व्यूज आए तो फिर मैं अब सोच रही हूँ कि नाउ वी माइट यूज टिक टॉक टू रीच अ ब्रोडर ऑडियंस के वहां पे लोग देखते हैं

More good companies and more good, uh, you know, startups need to market their stuff on TikTok, so overnight-wali, video videos by become viral. So definitely, and uh, w with Xwave, it's I mean, so far what I've heard is and what I've read about is it's really amazing. And, but one thing or I that you work specifically in areas so are

गर्ल्स एंड बॉयज तो थर्टी परसेंट गर्ल एंड सेवेंटी और इनिशियल डेज में तो जब हमने स्टार्ट किया था लइाया में तो वी हैड आई गेस ओनली टू गर्ल्स इन द होल बैच और मेरे ख्याल में बीस तीस बच्चे थे उसमें उसमें सिर्फ दो लड़कियां थी बट आहिस्ता आहिस्ता फिर वो नंबर uh, इंक्रीज हुआ बट अभी तक इट्स अ बिग चैलेंज कि लड़कियों का नंबर फिर भी कम आता है और उसकी काफ़ी सारी रीजन हैं जिसको हम साथ साथ जितना हमारी कैपेसिटी में वी ट्राई टू एड्रेस दैट उसमें अब एक रीजन ये आती है कि फॉर गर्ल्स इट्स नॉट ईजी टू ट्रांसपोर्ट के मसले होते हैं तो वो इट्स नॉट ईजी फॉर देम टू ट्रेवल एवरी डे टू एंड फ्रॉम सेंटर तो वो काफ़ी बड़ा चैलेंज है तो उसमें अब जैसे केंगरी में भी स्टार्टेड दिस के अच्छा आप आई एम वी विल प्रोवाइड यू ट्रांसपोर्ट तो जितना भी उसका एक्सपेंस है आ, तो वी विल पे ऑल ऑफ देट बट आप आ जाए कोर्स में <coughs> तो एक ट्रांसपोर्ट का चैलेंज है सेकेंडली पेरेंट्स इनिशली ट्रस्ट नहीं करते इस तरह से wow. कोई sure. नया इदारा कहाँ से आ गया है कौन लोग mm -hmm. हैं क्या करा रहे हैं mm -hmm. तो दे है लॉर्ड ऑफ क्वेश्चन तो फिर उसमें भी ट्राई कि हम जब भी uh, स्टार्ट करें कहीं पे भी प्रोग्राम तो हम एक वो कम्युनिटी इवेंट रख लेते हैं जिसमें भी इनवाइट पेरेंट्स एज वेल और डिफरेंट कम्युनिटी के नहीं। लोग होते हैं तो उसमें म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस कोई कल्चरल वो वो रख के अच्छा लोग उसकी वजह से आए कोई हम रीजनल या तो शायर बुला लेंगे या सिंगर बुला लेंगे ताकि उसकी वजह से लोग पार्टिसिपेट करें एंड देन वहां पे भी स्लोली ट्राई टू टेल दम की अच्छा क्या करा रहे हैं टीम के इंट्रोडक्शन होंगे मैं जाके बात कर लूंगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो ट्रस्ट है पेरेंट्स में वो बिल्ड हो बट इट अगेन इट्स स्लो प्रोसेस कि वही ये भी वर्ड ऑफ माउथ से ही ज्यादा इस पे फर्क पड़ता है कि पहले अगर हमारे पास लइया में दो लड़कियाँ थीं फिर वो नेक्स्ट बैच में थोड़ी सी मजीद इंक्रीज हुई उसके बाद फिर अगले बैच में मज़ीद इंक्रीज हुई तो आई थिंक इट्स बट देन वो साथ अंडरलाइन फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं mm. तो वो साथ साथ जितना हम एड्रेस कर सकते हैं हम करें बट देन इट्स नॉट इन आर हैंड्स एज वेल आई थिंक एक एडिशनल चैलेंज ये भी तो होता है अलॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स वुड फील के यार अगर एक लड़की है तो शी डी नीड टू अर्न मनी तो

नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स तो ठीक है कम ही बट देन दे काफी सारे जो, जो, मतलब जब आप इस तरह के हालात में रह रहे हैं तो अब इज अ ट्रेंड पेरेंट्स गर्ल्स टू अर्न एज वेल तो अब जिनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि वो बहुत अच्छे घरों में रिश्ता कर दें और फोर उनकी शादी की तैयारियां कर दें तो उनके लिए इनिशियल मोटिवेशन ये भी होती है कि अब हमारे पास काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कह के आते हैं अच्छा आई एम गोइंग आई अर्न मैं अपना जहेज बना लूंगी oh, wow. okay. तो वो इस वजह से भी उनको शायद इस वजह से नहीं भेज रहे होते कि आप कमाएंगी और आप हमें सपोर्ट करेंगी या कुछ इस तरह से होगा बट आ, कमा के अपने लिए बचा लेगी अपना जहेज बना लेगी फला चीज कर लेगी तो ये चीज भी होती है बट आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक इट्स चेंजिंग एज वेल के uh, अब वो वही सोशल मीडिया की वजह से hmm. जितना ज्यादा कॉन्टेंट अब बन रहा है और लोग इस चीज पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं गर्ल्स ऑल्सो कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू हाउस होल्ड इनकम तो अब वो थोड़ा सा चेंज हो भी रहा है एंड पेरेंट्स डू वॉन्ट के अच्छा चले हमें ना अभी अभी भी ये है कि अच्छा हमें okay, ना खिलाएं बट hmm. अपने लिए कमा लें yes. कल को अपने शोहर की मोहताज ना हो और इस तरह की चीजें बट पेरेंट्स नाउ डू वॉन्ट कि उनकी बेटियां भी hmm. कमाएं

overnight nahi hoti. it's yeah, like yeah, an incremental steps and mindset changes we ni yes. bilkul bhi and now we're at a stage ke, yaar. okay chalo, apne liye so yeah, maybe yeah. in the future we'll see things go in a inshallah. You know, inshallah we'll see that happen as well so where do you see x wave and the impact of x wave go in five years okay in the next five years uh, at least at least at minimum we want to train 10,000 people ंग स्टूडेंट और वी वॉन्ट टू पुल देम आउट ऑफ पॉवर्टी बट अलॉन्ग साइड दैट ठीक है जिनके पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है सो माई मेन मिशन इज दैट कि हम उनको हेल्प करें Uh, और उनके लिए हम अगर रिसोर्सेज वी कैन अरेंज तो वी गाइड दम बट अलॉन्ग साइड दैट अब हमें रियलाइज हो रहा है एट दिस पॉइंट कि आर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे मैंने शुरू में डायरेक्शन की बात की तो अभी इतने ज्यादा लोग कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं इतने ज्यादा झूठ चल रहे हैं कि अच्छा आप दो महीने में ये कर लें हाँ। तीन महीने में ये कर लें तो देर आर पीपल हु आर इन्वेस्टिंग देयर रिसोर्सेज इन दोज एज वेल जो जिन जो लाखों रुपए लगा भी रहे हैं इन कोर्सेज में बट uh, इवेंचुअली वो फिर uh, क्या नाम है उम्मीद उनकी खत्म हो जाती है कि अच्छा उनको लगता है कि शायद ये भी स्कैम ही है स्कैम आम, तो नाउ uh, we आर थिंकिंग कि जो लोग थोड़ा अफोर्ड भी कर सकते हैं हु आर जो डिफरेंट भी कर रहे हैं हु हैव सम कैपेसिटी तो वी वॉन्ट टू गो देर एज वेल कि हम उनको भी असिस्ट करें और अब उसमें वी वी विल सी कि कि हमारी मार्केटिंग किस तरह से जाती है एंड हाउ कन्विंस नहीं ला तो रात, आप लाखों रुपए नहीं कमा सकते mm -hmm. बट आप नौ no महीने लगा के यू कैन लर्न अ सस्टेनेबल स्किल जो आपको फ्यूचर में हेल्प करे तो टेन थाउजेंड तो वो लोग हैं हु डोंट हैव एनी स्किल या फिर इनके पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है और लिविंग इन पॉवर्टी बट नाओ वी वॉन्ट टू हेल्प दो शायद रिलेटिवली बेटर ऑफ है बट नाउ इन इन द करेंट इकॉनमी देव दॉब देम या फिर जो सीख के दे कैन बी पार्ट ऑफ ग्लोबल वर्क फोर्स तो जिनके पास रिलेटिव एक अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री भी है बट देन उनको वही प्रोफेशनल डिवेलपमेंट नहीं उनको आती उनको कम्युनिकेट करना नहीं आता या फिर उनको एक थोड़ा सा स्किल में गाइडेंस चाहिए तो मे बी सम so all of this is like tech training essentially right essentially, most, of it, most it right? Of it. so like don't you feel वैसे के there would be a point जो कि शायद अब आना भी शुरू हो गया where the supply is there's so much supply of this uh, skill के fiber पे भी upwork पे भी लोगों को काम लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो how do you plan on you know mitigating that problem yes. so अभी मसला जो fiber और upwork की आप बात करिए अभी मसला ये है कि जो beginner level skill set है अः उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है कि आपको एक बिगनर लेवल रिसोर्स चाहिए जिसको थोड़ा सा ग्राफिक डिजाइन आता है जिसको थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग आती है थोड़ा सा बेसिक फ्रंट एंड का काम आता है कि उसने क्योंकि छह महीने नौ महीने उसको सीखा है तो उसकी तो आई थिंक सप्लाई बहुत ज्यादा है भी सही और वो आने वाले एक दो सालों में मजीद सेचूरेट हो जाएगी मार्केट बट इवन इफ यू सी द ग्लोबल नंबर और जो अभी प्रडिक्शन आ रही है कि हमें आई में कौन सी वर्क फोर्स के स्किल में ए में और डिफरेंट निशेज में हमें जो चाहिए तो अब अभ, अभी आई डोंट रिमेम्बर द नंबर्स एग्जैक्टली बट इट इज एक्सपेक्टेड के आने वाले पांच सालों में काम होगा बट लोग नहीं होंगे उसको करने वाले hmm. तो वो स्किल्स जो हैं वो फिर uh, ये है कि वो टाइम टेकिंग है उनको सीखना

बट इवेंचली यू विल हैव टू इन्वेस्ट मोर टाइम आपको एक यूनिवर्सिटी डिग्री जितना टाइम लगाना पड़ेगा इन लर्निंग समथिंग जिसकी मार्केट में डिमांड है जिसकी नीड भी है जिसके yeah. लिए जनरली भी दुनिया में लोग नहीं मिलेंगे आने I वाले टाइम में तो मे बी वी कैन गो गो देर इन द फ्यूचर क्योंकि वही छह महीने क्रैश कोर्सेस करके कितने ही लोग कमा लेंगे hmm. और उसकी ऑलरेडी मार्केट में इतनी ज्यादा सप्लाई होगी कि फिर काम मिलना मुश्किल हो जाएगा बट mm -hmm. तब तक आई थिंक वो तीन, तीन से पांच साल में शायद थोड़ा सा माइंडसेट बन जाए अगर लोगों का mm -hmm. उनको समझ आ जाए कि अच्छा हाँ हमने टाइम लगाना है और ये चीज सीखनी है तो इट विल रिजल्ट्स तो फिर आई थिंक इट विल बी इजियर टू गाइड दम के अच्छा पहले आपने अब जैसे हमने शुरू कराया था हमने कहा था छह महीने का कोर्स है, फिर इवेंचुअली हमने सेकंड बैच को तो हमने कहा कि नहीं छह महीने से डायरेक्ट हम दो साल में ले गए oh, wow. <laughs> तो That's वो सेकंड बैच हमारा दो साल रुका भी बट वो एक साल के बाद उन्होंने कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर दिया था सही है तो फिर फॉर द थर्ड बैच हमने कहा कि चले दो साल बहुत मुश्किल होता है बच्चों को रोकना तो हम फिर दोबारा इसको एक साल पे ले आए तो अब हम अगले तीन पांच साल तक तो शायद एक साल के लिए ही कराते रहें कि अच्छा एक साल के लिए आप आके सीख लें ये चीज कर लें ताकि आप हंड्रेड डॉलर तक पहुंच जाए बट हंड्रेड डॉलर इज नॉट लिविंग वेज पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात देखें आप फॉरन सौ डॉलर कमा भी लें ठीक है आहिस्ता आहिस्ता आए आप स्किल करते हैं बट uh, आप जब एक दफ़ा काम करने लग जाते हैं तो आप फिर दोबारा नहीं सीख सकते आप बस वही उसी में घूमते रहेंगे जब तक आपको वहाँ से निकाल नहीं दिया जाता कंपनी <laughs> से तो इस वजह से फिर अब भी प्लान के आहिस्ता आहिस्ता हम इसकी ड्यूरेशन इंक्रीज़ करें वी एड मोर कोर्सेज क्योंकि अभी भी वी फील कि अब एक साल में इंग्लिश सिखाना भी बहुत मुश्किल है एक साल में वो जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट सॉफ्ट स्किल्स पर आपने काम करना है वो भी साथ साथ कराना बहुत मुश्किल है yes. uh, फिर चले साल की ड्यूरेशन तो वैसे है देन नंबर ऑफ एज वेल के पहले हम कहते थे कि अच्छा आप दो घंटे के लिए लिया में जब हमने स्टार्ट किया था बोले कि आप दो घंटे के लिए आए कोर्स करें mm -hmm. तो इस वजह से वो पहला साल दो साल का था फिर हमने अब ये कर दिया कि नहीं अब आप अगर फुल टाइम फ्री हैं तो देन कम टू तो आर कोर्स फिर हम उन लोगों को ही कराएंगे जो फुल टाइम दे सकते हैं तो फिर हमने या तो पहले हमने नाइन टू टू किया तो आप जिस तरह से यूनिवर्सिटी जाते हैं आप एक साल यहाँ पे आए एंड देन वी विल टीच यू बट अदरवाइज फिर आप या तो स्किल सीखेंगे या आप इंग्लिश सीखेंगे या आप सॉफ्ट स्किल सीखेंगे mm -hmm. तीनों चीजें आपको एक साथ लेके चलनी है तो फिर आप दो घंटे में तो नहीं कर सकते तो आई थिंक इवेंचुअली पाकिस्तान में बाकी सबको भी देखना पड़ेगा और यूनिवर्सिटीज इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी क्योंकि यूनिवर्सिटी करिकुलम mm -hmm. ही उसमें डिसाइड करेगा कि किस तरह से वो ट्रांजिशन आती है और वो वर्क फोर्स हम क्रिएट करते हैं

वेरी वेरी रिच पर्सन आई विश दैट वॉज ट्रू एंड मुझे अभी भी रिलेटिव से जब भी मुला तो Kind of, इसी की मिलती। वो मैंने देखा था वो कोर्स करो तो उसके बाद वो ऑनलाइन घर बैठे बैठे तो उस तरह तो हो ही, की वो एक जिनको स्किल्स जिनको यूज करके यू कैन जस्ट स्टार्ट इट्स अवर लर्निंग प्रोसेस और वो कभी रुक भी नहीं सकता

and like correct me if I'm wrong like in based on what I read and saw मुझे याद है कि you it was like a vocational training center yes, right it. so uh, you taught women to you know stitch, stitch clothes और yes. फिर I remember there was like a website जिसपे yes. वो सारे कपड़े होते थे and anybody could buy them तो so, I loved that idea because मुझे हमेशा ये लगता है कि यार उस skill की कभी कमी Exactly. That demand will always exist and people would need clothes. Right? So, uh, is that still going on? Us, what happened there? Uh,

ये प्रोग्राम भी चल रहा है तो इस प्रोग्राम में भी अब अगर दो चीजें चल रही हैं तो मैक्सिम रिजल्ट अभी हम कहाँ से दे सकते हैं लोगों तो तो को साथ साथ तो इस वजह से वी डिसाइडेड कि अच्छा स्टिचिंग हम सिखा रहे हैं इट्स डेफिनेटली गुड थिंग औरतें कुछ सीख रही हैं कुछ कमा रही हैं और वो वो औरतें जो कि शायद आईटी स्किल्स तो नहीं सीख सकेंगी कभी भी उनको भी तो कमाना है ना हर बंदा हाँ, तो नहीं आई टी स्किल्स सीखेगा हर, हर बंदा हाँ। तो टैक्स से नहीं कमाएगा तो वो एक सेगमेंट भी है तो दैट्स वाई वी स्टार्टेड दैट बट इवेंचुअली अब अगर आप एक छह सात लोगों को सिलाई सिखा रहे हैं और आप छे सात लोगों को टैक्स सिखा रहे हैं तो इनकम गैप ह्यूज होगा हाँ, तो absolutely. फिर देन आई है मुझे टाइम अभी के लिए अपना कहाँ पे लगाना है तो आई डिसाइडेड कि अच्छा इट्स बेटर कि अगर हम यूथ को ज्यादा सिखा दें तो इवेंचुअली बी जो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगे और फिर वो कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं तो दैट इज इज समथिंग ज़्यादा आउटपुट आएगा, uh, but I still believe कि सिर्फ टेक्नोलॉजी आप पाकिस्तान से गुर्बत नहीं <laughs> खत्म कर सकते देखो। देखो। Because हर बंदा नहीं टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करेगा बहुत सारे करियर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी नीड है तो उसमें अब इवेंशुअल प्लान यही है कि मे बी आई डोंट हैव द रिसोर्स के मैं हर एक चीज खुद करा सकूं बट वंस वी ट्रेन दी स्टूडेंट्स तो अभी हमारे जैसे करिकुलम का पार्ट होता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट और पर्सनल डेवलपमेंट के सेशंस तो उसमें भी टॉक अबाउट दिस थिंग गिव बैक करना है hmm. तो यू हैव टू ये नहीं है कि आपको हमने कोर्स सिखा दिया आप कमाना शुरू हो गया एंड दैट से कहानी खत्म हो गई बट वी ट्राई टू इनकलकेट दिस सेंस के यू हैव टू बैक टूर कम्युनिटी आपको उनको भी हेल्प करना हैल्सो हैव टू थिंक ऑफ आइडियाज यू हैव टू थिंक ऑफ सोल्यूशन तो मे बी एक सोल्यूशन गुरबत खत्म ना कर सके बट इफ वी ट्रेन ट्वेंटी पीपल और वो बीस लोग अपना कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे और अपने आ, लोगों को हेल्प करेंगे तो मे बी दे कैन फाइंड समथिंग और वो वो चीज काम करेगी तो इसको प्लान करना years, graduate, तो, फिर time, uh, <laughs> तो उसमें आई थिंक फिर ये होगा कि जितने भी अपार्ट फ्रॉम टेक जितनी भी स्किल्स हैं आ, तो वो आई थिंक अगर हम एक वर्क फोर्स क्रिएट कर देते हैं उन लोगों की एक मतलब मैं कहती हूँ लैया में

तो अभी हमारा उनके स्टूडेंट के साथ सेशन चल रहा था अभी एडमेंटो जो गेस्ट लेक्चर था तो फिर वो उनसे यही बात कर रहे थे कि अच्छा आपने टेक्स सीख लिया यू नो हाउ टू बिल्ड वेबसाइट्स अब आप मे बी यू कैन लर्न समथिंग अबाउट मार्केटिंग और आप थोड़ा सा वो सीख के यू कैन लर्न कि आपकी जो खजूर की प्रोड्यूस है तो आप उससे मज़ीद प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं देन हाउ टू पैकेज दो प्रोडक्ट्स और वो प्र, प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट के लिए किस तरह से वो कर सकते हैं तो आई थिंक वो जो लोकल सोल्यूशन हैं वो एक बंदा नहीं निकालेगा वो ये हजारों लोग मिलके जब हाँ, सोचेंगे और जब उनमें हाँ, ये सेंस होगा कि वी हाँ, हाँ, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना कि मैं कामयाब हो मैं ये ये चीज़ तो उनमें I think, अगर हम ये सेंस दे देंगे तो दे विल कम होंगे और लोकल सोल्यूशंस को वो करेंगे Uh, you're from Laya, right? Yes. Originally. So maybe that's why you came up with that idea in the first place because you knew ke, yaar, uh, this is, these are the kind of people who are here. what kind of skill unke liye seekna asaan hoga. and maybe tech wasn't the answer back then. Yes. So it made sense at that point. But I have a question. So since you're from Laya, um, जब वो बंद किया सेंटर वॉज इन देर अ लॉर्ड ऑफ बैकलैश के यार ये क्या है अच्छा खासा सेंटर चल, चल रहा था बंद क्यों हो गया बैकलैश um, उस तरह से तो नहीं था बट uh, ये था कि Uh, उदासी थी आप कह सकते हैं तो देर वॉज हार्ट ब्रेक मोमेंट थी बिकॉज वो जो जितनी भी औरतें सीखने आ रही थी और बिकॉज वो आप आ, हमने वो जो वेबसाइट बनाई थी वहां से भी ईद ईद पे हम रेगुलर दो ईदों पे हमने किया था तो ऑर्डर्स आते थे तो कुछ ना कुछ वो वहां से भी कमा रहे थे फिर वो सिलाई सीख रहे हैं तो साथ साथ वहाँ से भी लोकल ऑर्डर्स भी आ रहे होते थे तो वो जब बंद किया तो फिर और वो जो औरतें थी आठ दस औरतें जो सीखने आती थी तो उनके साथ गैप ईयर के दौरान के, तो के साथ होती थी कि, कि किस तरह से वो नई वो प्लान करनी है जो नया लॉन्च करेंगे हम कपड़े तो वो सारा कुछ उनके साथ चलता रहता था तो वो एक बॉन्ड था एंड देन आई न्यू द स्टोरीज एज वेल पर्सनली अच्छा जब हम बंद कर रहे हैं तो ये Um, उसने अपनी बेटी को स्कूल भेजा था बिकॉज शी वॉज़ अर्निंग फ्रॉम हेयर तो अब वो अगर नहीं कमाएगी तो क्या होगा yeah. और उसकी ये चीज़ इसके साथ जुड़ी है तो वो एक आई थिंक बहुत सैड uh, मोमेंट था uh, और वो जाहिर उर, उन औरतों के लिए भी था कि अच्छा अब क्या होगा बट uh, आई हैव टू डूट वो मेरे लिए भी मैनेजेबल नहीं था तो बहुत मुश्किल से वो करना पड़ा बट uh, अभी भी मिलते हैं हम उनसे और अभी आ आते हैं आ uh, वो मिलने भी आती हैं तो हर किसी ने कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लिया हुआ है तो कोई घर में बैठ के सिलाई कर रहा है कोई अभी कुछ उनमें ऐसे भी हैं जिनका नहीं चला उसके बाद सिलाई का काम जिन्होंने नहीं किया

other people and they yes. help to other people which brings me back to the local solutions wala point when you talk about uh, eradicating poverty from the country and when you talk about uplifting the nation as a whole there has to be uh, taken into consideration the actual circumstances of the people that you're trying to help right a e generic solution sab ke liye help kabhi bhi nahi karta. So it's very, very impressive that you are keeping all of that in mind and with that moving in a your direction. And the more we talk about the things that you did, the more confused I get because you do so much, <laughs> and you're studying law, which itself is a very difficult thing. Like how do you manage all of this? How also, do <laughs> I want to understand the connection between like law and all of this social work. Like, okay. why did you not choose political science? I am losing my mind. <laughs>

सो वेन आई डिसाइडेड कि मुझे लॉ करना है तो मुझे इनिशली लॉ नहीं करना था आई मैंने लम्ब में अप्लाई किया था आई वॉन्ट टू क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस करना था okay. और तब भी क्योंकि वही बजवर्ड था कि अच्छा आप टेक्नोजी से यू कैन अर्न आप कंप्यूटर साइंस करूंगी तो फिर आईव दिस एंड देट तो इवेंशली आई अपलाईड फॉर देट आईड स्कोर और मेरा जो फर्स्ट ऑफर आई मुझे लॉ स्कूल से आ गई एंड मैं पहले बहुत उदास थी कि अच्छा ये क्या हो गया मेरी तो मतलब इतनी मैंने मेहनत की घर वालों से लड़ाई की और अब मैं लॉ

करना क्या है माई माई मिशन एट दैट टाइम वाज़ कि मुझे खुद फाइनेंशियली स्टेबल होना है आई हैव टू अर्न और मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना है एक वो सारा जो सर्वाइवल्स की hmm. वो एक जंग चल रही थी वो सारी hmm. उससे एस्केप करना है तो देन आई थॉट इन टू वीक्स आई वाज लाइक अगर मैं कंप्यूटर साइंस में जाती भी हूँ इट विल स्टिल मैंने वो uh, ग्रेजुएट्स वगैरह से बात की स्टूडेंट से बात की दे टोल्ड मी के एस के कितने बुरे हालात होते हैं स्टूडेंट्स डोंट हैव टाइम टू डू अपार्ट स्टडीज तो फिर मैंने कहा अगर मैं साइंस स्कूल में आ भी जाती हूँ तो फिर इट विल अगेन टेक मी फोर ईयर्स टू कम्पलीट द डिग्री एंड देन स्टार्ट अर्निंग तो दैट ज नॉट सस्टेनेबल फॉर मी तो फिर मुझे मैंने कहा कि चलो फिर लॉ स्कूल में आई हैव टाइम कि मैं बाकी चीजें भी एक्सप्लोर कर सकती हूँ और अगर मुझे कंप्यूटर साइंस करना भी हुआ टेक की साइड पर जाना भी हुआ तो आई लर्न दैट साइड पे तो फिर मैं लॉ स्कूल में आ गई एंड लॉ स्कूल में आने के बाद शुरू में जब वो शुरू की क्लासेस ली तो फिर आई वाज वेरी मोटिवेटेड कि नहीं लॉ इज़ द थिंग और मुझे आगे इवेंचुअली लॉ में ही जाना है और आ, वो सारे जो एक चीज़ें इलाके में भिलैया में भी होते हुए देखी थी लाइक कि नहीं मुझे इसमें भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना है और इनिशियल फ्यू ययर्स मेरे पहले दो साल तीन साल यूनिवर्सिटी के मैं एक्टिविज्म साइड पर बहुत ज़्यादा थी आई वॉज okay. वो पोलिटिकल एक्टिविज़म और यूनिवर्सिटी के अंदर भी पॉलिटिक्स है कुछ भी है तो बहुत वो था कि नहीं मुझे पॉलिटिक्स um, hmm. के थ्रू और इसके थ्रू कुछ ना कुछ <laughs> oh, <laughs> तो वो सारा कुछ मैं कर रही थी एंड देन आई रियली ये करूंगी बट कोविड वोड एंड आई बैक और तब तक मेरा ये नहीं प्लान था सोशल वर्क वाली साइड पे आने का कुछ भी इस तरह से कोई स्किल्स ट्रेनिंग देनी है कुछ भी करना है एंड इन टू इयर्स आई वर्क ऑन डिफरेंट थिंग्स मैंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया और उस पर मैं काम कर रही थी एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह उन दो सालों में आई आई अचीव सम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं थी पैसे hmm. कमाने की या कुछ भी करने की साथ साथ पढ़ाई चल रही थी लेकिन मेरे कोविड के दौरान मैंने आई केम बैक और उस उन दिनों में तो वही रोज़गार ख़त्म हो गया जिनकी डेली वेजेस थी में ज़्यादातर लोग वही डेली वेजेस पे आप काम कर रहे हैं आ, तो वो जब मैंने देखा तो फिर आई वॉज वेरी सैड कि ये क्या हो रहा है और आई थॉट कि अच्छा कुछ करना चाहिए तो उस टाइम पे भी स्टार्टेड द राशन कैंपेन और हमने कहा कि अच्छा राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जब राशन कैंपेन स्टार्ट की तो आई एक्चुअली गॉट टू सी वो आप क्योंकि हम डोर टू तो डोर कर रहे थे तो हम लोगों के एक तरह से घरों में जा रहे हैं डेली की बुनियाद पे देने और हम बहुत लैया के डिफरेंट सात गाँव वगैरह जितने भी लगते थे बहुत जगहों पे गए रीच आउट टू तो थ्री थाउजेंड फैमिलीज और उन तीन हजार में से कम से कम हजार में तो मैं खुद भी गई हूँगी wow, जहां of... पे देने गई थी तो वो जब इतने लोगों को देखा आई सॉ शॉक अच्छा आ, कुछ ना कुछ वो काम कर रहे हैं हाँ um, उनके बच्चे भी अब इसी तरह से वो अगर वो मजदूर है वो शुगर मिल में काम कर रहा है उसका बच्चा भी इवेंचली शुगर मिल में जाएगा uh, और ये साइकिल इसी तरह से चलता रहेगा देर इज नो वन टू ब्रेक दैट साइकिल और उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे या वो कभी सोचेंगे भी सही कि हमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन करनी है um, तो फिर आए थॉट कि कुछ करना चाहिए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अच्छा क्या किया जा सकता है Uh, तो उस टाइम मुझे वैसे भी दरमियान में घूमने का बहुत शौक था तो आफ्टर सिक्स मंथ्स जब uh, थोड़ा सा कोविड uh, uh, के हालात बेहतर हुए लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो आई डिसाइडेड कि मुझे थोड़ा सा ट्रैवल करना है एंड आई वांट गैप ईयर वैसे ही लिया हुआ था तो मुझे थोड़ा सा फ्री स्पेस चाहिए टू तो थिंक क्या करना है जिंदगी में और फिर मैं इस्लामाबाद गई वहाँ पे आए, मैंने uh, I mean, एक होस्टल ले लिया वहाँ पे मैं रह रही थी और मैं ट्रैवल कर रही हूँ बाइक पे और घूम रही हूँ एंड देन आई वाज थिंकिंग लोगों से डिफरेंट लोगों से बात करती फिर आई ट्रैवल में बलूचिस्तान भी गई कराची भी गई तो आई सौ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कराची में मेमन फाउंडेशन का आई सौ उनका सेंटर um, तो वहाँ पर डिफरेंट चीज़ें देख के आए एवं थाट के अच्छा ये जो बच्चे अब यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा सकेंगे और वैसे भी ये साथ साथ कोई ना कोई मीनी लेबर जॉब्स भी कर रहे हैं hmm. तो इनको दो घंटे की तो हम ट्रेनिंग करा सकते हैं तो मे बी दो घंटे के लिए अगर हम तब हमने ये भी नहीं सोचा था कि अच्छा हम इनके लिए कोई कोर्स प्लान करेंगे कि हम yeah. इनको ये वाला कोर्स करा दें मैंने कहा कि अच्छा बस कंप्यूटर ले लेते हैं इंटरनेट होगा दो घंटे के लिए आए उनको हम वहां पर कुछ ना कुछ यूट्यूब के कोर्सेज दे देंगे और उन कोर्सेज से कुछ सीख के मे बी दे स्टार्ट अर्निंग समथिंग ऑन द साइड तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड देन वो सिलाई वाला कहा चले वो बच्चे कवर हो गए एंड जो औरतें जो नहीं सीख सकती उनको हम थोड़ा सा सिलाई कढ़ाई सिखा दें और वो अपना थोड़ा सा साथ शुरू कर देंगी एंड मे बी इवेंचुअली एक बच्चा बीस में से अगर फैमिली में से कुछ ना कुछ सीख जाता है आ, तो फिर वो फैमिली थोड़ा सा स्किप कर सकती है mm. आ, वो, वो ब्रेक करना एंड देट्स वाउ इट्स और फिर वो इवेंचुअली इम्प्रूव uh, होता गया एंड वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ मोर आइडियाजन वी टॉक टू पीपल देअ so i think yeah yes is is eventually I'm kikni ke karna hai. as i you talked about biking and that was something i did want to bring in so thank you for bringing that <laughs> in <laughs> yourself um, probably the first time i followed you was based on the fact that i saw a girl riding a bike and i was like wait who is this <laughs> 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 what's happening <laughs> baat hai probably ट्वेंटी एटीन yes, या कुछ 20. उस टाइम का ही होगा ये वेन आई सॉ दैट एंड आई वॉज बियॉन्ड इम्प्रेस्ड सो रीजन बींग एज वेमेन ट्रांसपोर्ट इज लिटरली वन ऑफ आर बिगेस्ट चैलेंजेस कहीं भी जाना है हाउ आर वी प्लानिंग टू ट्रेवल अलॉट ऑफ अस आर वेरी प्रिवलिज इन द सेंस के लाइक like, गाड़ियाँ अफोर्ड कर लेते हैं लेकिन बहुत सारे लाइक like,

आई थिंक शौक तो शुरू में शायद नहीं था जस्ट मैं शौक था बट हाउ इट स्टार्टेड वॉज अ जरूरत मजबूरी बेसिकली तो आई थिंक आई रिमेम्बर सिक्स या सेवन्थ क्लास में मैं थी तो बाइक एक दिन अबू की खड़ी थी तो मैंने भाई से पूछा कि तो स्टार्ट कैसे करते हैं तो वो मुझे वैसे ही बता रहे और मैंने वो किक लगा दी और मैंने वो गेर oh, <laughs> दे yeah, दिया एंड मैं उसके ऊपर उस टाइम बैठी थी हाफ हाफ बैठी थी और वो सहन में घर के सहन में है तो आई थिंक a... ये जितनी ये दीवारें इतना वो डिस्टेंस था और वो चल गई से साथ चार पाई पड़ी थी तो आई जाम देर और मैं चार पाई पे बाइक <laughs> तो रमजान चल रहा था this और गुड स्टार्ट था गर्मी भी बहुत ज्यादा थी और रमजान चल रहा था और अब Uh, रोजे में सोए हुए अब oh no. मैंने कहा कि अच्छा अब कैसे ना? सारे oh no. परेशान है भाई परेशान है अम्मी परेशान है कि अच्छा बाइक की तो वो पूरा उसका टायर टेढ़ा हो गया बहुत ज्यादा उसका नुकसान हुआ मैंने कहा अच्छा, कैसे बताएं फिर हमने कहा अच्छा अबू के जो दोस्त है ना उन्हें बुलाते हैं वो बताएंगे अबू को बाइक का ये हाल हो के? एंड देन उन्होंने ना उन्होंने अबू को ये कहा मेरा भाई उस टाइम मेरे से जो छो जो तीसरे नंबर पे भाई है वो बहुत छोटा था तो उन्होंने कहा कि नूर ने चलाई है और उसने मार दिया है वो बेचारा छोटा उसे पता नहीं लगा तो अबू हंसना शुरू हुआ उन्होंने कहा मुझे पता है किसने चलाई oh, <laughs> so <laughs> तो, तो खैर सरप्राइजिंगली उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और फिर मुझे उन्होंने कहा कि अगर सीखनी थी मुझे कह देती मैं सिखा देता तुमने तुम्हें किसने कहा था जाके भाई को कहो कि वो तुम्हें सिखाए तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे काफी दफा कहा कि आओ मैं सिखा देता हूँ और मैं कहती अच्छा कल चलेंगे कल चलेंगे कल चलेंगे ओवर लेजीनेस में मैं भी फिर कभी गई नहीं आ, फिर जब मैं आई केम टू लम्स तो पहले सेमेस्टर में मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ाना शुरू की तो फिर वो मेरे जो ट्यूशन से पैसे आते थे आधे से ज्यादा तो वो करीब में चले जाते, जाते थे, थे। तो फिर मैं वापस गई जब विंटर ब्रेक में तो मैं तो मैंने सिखा फिर उन्होंने मुझे उधर सिखाई एंड देन आके लाहौर सड़कों पे चलाना शुरू कर दी आ, तब मेरे पास अपनी बाइक नहीं थी तब लाहौर में दोस्त की थी और यूनिवर्सिटीज में यु, यु नो के एक कल्चर होता, आप दोस्तों की बाइक लेके आराम से हर टाइम जाते हैं वो अक्सर दोस्तों के बाइक की चाबी भी होती है आपके पास चाबी वो हर बाइक है तो मुझे भी इसी तरह से एक दोस्त ने अपनी बाइक की चाबी दे दी उसकी चाबी मेरे पास ना जब खड़ी हो ले जाया करो आ, तो फिर वो उसकी चाबी मेरे पास थी और मैं उसको ले जाती थी और बातें तो फिर उसके बाद बहुत सुनी फैमिली uh, में भी एकदम yeah. से ये लाहौर जाके क्या करना शुरू हो गई है और मैंने एक वहां दरमियान में एक गलती, एक गलती तो नहीं, की मैंने एक दोस्त मेरा पीछे बैठा था लड़का ही था और मैंने पिक्चर अपलोड <laughs> था। <laughs> no, just... <laughs> <laughs> तो नो जस्ट तो वो पिक्चर मुझे नहीं आईडिया था अच्छा मैंने ना सारी फैमिली को ऑलमोस्ट ब्लॉक किया हुआ था सोशल मीडिया पे इट्स गेटिंग बेटर कोई ना कोई शायद ऐड था और वो फैमिली ग्रुप में पिक्चर जो है <laughs> वायरल हो गई <गी। laughs> वायरल हो गई ओह नो सो ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड और ही वॉज डेटिंग एन अदर फ्रेंड ऑफ माइंड एट दैट टाइम मैंने बहुत अच्छी दोस्त को डेट करा था हमारा कर कोई सीन ही नहीं, नहीं। oh वहां पेट स्टार्टेड की है तो लड़कों के साथ ही लड़का पता नहीं कौन है इनका चक्कर चल रहा है तुम तो पता नहीं क्या क्या oh बातें शुरू हो गई आ, उसके बाद तो खैर बहुत ज्यादा वो फिर कहीं भी कोई भी फैमिली गैदरिंग हो रही है तो दिस टॉपिक विड कम मेरा जो छोटे दो भाई थे वो मेरे जासूस थे <laughs> <They were telling. laughs> कहीं भी कोई बात हो रही है कोई अम्मी को आके कोई बात कह रहे हैं या फिर कोई कुछ हो रहा है तो वो फो फौरन मुझे कॉल करके या मुझे कहीं से मैसेज करके तो <laughs> तो, <laughs> तो वो सारा कुछ चलता रहा बट आई वाज वेरी लकी कि जो मेरे पेरेंट्स थे वो आ, इन चीजों से इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होते थे और वो उसको पॉजिटिवली लेते थे इस सारी जर्नी को कि अच्छा बाइक चला रही हूँ या कुछ कर रही हूँ तो इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा मसला नहीं हुआ बट मेंटली बहुत डिस्टर्ब होती थी जाहिर है कि आप रोज बातें सुन रहे हैं कोई कुछ कह रहा है कोई कभी कॉल आ रही है तो आपको इनडायरेक्ट ने मिल रहे हैं हाँ। एक तो साइड पे वो भी चल रही है देन आप रोड पे एक लड़की है जब अभी exactly. तो फिर भी आई थिंक काफी सारी लड़कियां चला रही हैं तब बहुत हाँ। दो हाँ। तीन पिछले हा। हाँ। 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 सालों में मैंने देखा थोड़ा सा ट्रेंड थोड़ा सा ट्रेंड हुआ बट तब बिल्कुल भी कोई नहीं होता था तो रोड पे भी आपको जहां भी अभी भी आप जाएंगे हर जगह लोग घूरते हैं अभी भी होता है तो तब तो बहुत ही ज्यादा घूरते थे और हर रोड पे भी आप जा रहे हैं तो वो मुझे एसेंशियली ब्लॉक करना पड़ा एक तरह से अपना वेन के मुझे नहीं नजर आए लोग के कौन देख रहा है तो वो मेंटली बहुत डिस्टर्बिंग था sure. आ, बट आई थिंक वो ज़रूरत थी तो और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि क्या हाँ. कर सकते हैं लाइक तो like, करना है तो अब बस मजबूरी है और अक्सर ये होता था कि आ, मैं वापस आती थी यूनिवर्सिटी ट्यूशन पढ़ा के वापस आ रही हूँ और उससे में वो एक गर्मी भी उन दिनों समर्स में मैं आ, स्टार्ट किया था जब तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती थी और मैं रास्ते में कोई मुझे घूर रहा है या कोई कुछ ना कुछ बोल के चला जाएगा फिर अक्सर लड़के रोड पे ये करते हैं कि जब लड़की जा रही है आगे से कट मार मार्क हाँ, से बस है और कुछ शाउट करने लग जाते तो, तो, तो एकदम आप वैसे ही डरे हुए होते हाँ. हो रोड पे के यार आप अकेली लड़की हैं और आप रोड पे जा रहे हैं और फिर वो इस तरह की चीजें होती थी तो आप एकदम से शौक में आप मजीद डर जाते हैं तो अक्सर ये होता था कि मैं यूनिवर्सिटी जब वापस आती थी तो मुझे बहुत उस टाइम गुस्सा आ रहा होता था और मेरा अक्सर ब्लड प्रेशर लो हो जाता था एक तो देखे बिकॉज ऐसा मान जिसने सारी जिंदगी बाइक ही चलाई है एक तो गर्मी ठीक है ऊपर से यूर ऑन द रोड हेलमेट पहना वहन

Uh, तो फिर आई थिंक वो स्मॉल विंस भी जब साथ साथ आती रही तो फिर दैट हेल्प की अच्छा ठीक yeah. है ये मसला है बट देन यू आर ऑल्सो मेकिंग प्रोग्रेस समवेयर तो फिर उसकी वजह से वो मैनेजेबल हो गया बट अदरवाइज इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग एंड लाइक नॉट जस्ट पीपल जो कि आपको शायद वहां पर बैठ के आपको बता रहे होते हो के यू दे आर प्राउड टू फू यू हेर अ लॉट ऑफ साइलेंट फैंस लाइक इंक्लूडिंग इम्प्रेस्ड आई प्रॉबलीवर सेट एनीथिंग बट आई वॉज लाइक के दिस इज सच अ गुड थिंग क्योंकि इट गेव कॉन्फिडेंस टू सो मेनी अदर वुमेन के अच्छा यू नो कोई कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं सो यस को डोज टू दैट एंड आई मीन नॉट एवरीथिंग बाइक चलाने वाले जानते हैं बीच में अगर टायर पंक्चर हो जाए तो हाँ, यू है

हैंड हैंडमेंट हो रही है अपने जेंडर के पे <laughs>

So <laughs> 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 the point is that he sees this woman as like a helpless thing jo khud kuch bhi yeah. and that's the I'm not saying we should stop being बट uh, like, you, you uh, uh, वो हेल्पफुल yeah. hmm. uh, होता नहीं है तो मे बी दे गुड इंटेंट क्या आप अच्छे नीयत से ये कर रहे हैं uh, लेकिन एक एम्बेसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है आम, जैसे अभी बाइक पेट्रोल डलवाने आप जाएं तो बाइक पे अगर आप लड़की हैं तो आप अलग लाइन में आ सकते हैं मुझे शुरू में नहीं पता था कि अच्छा आपको लाइन में नहीं खड़े हो ना yeah, can... yes. ये चले जाएं तो अब तो दो तीन लड़कियां कभी आ जाती हैं लाइन में आम, बट शुरू में जब मैं चलाती थी तो मैं अक्सर लड़कों वाली लाइन में खड़ी हूँ और दरमियान में जाके लाइन में वो अचानक से चीखना शुरू हो जाता है आप इधर क्यों आप इधर क्यों आप साइड पे आए आप साइड पे आए क्या हो गया

Oh और अगर मैं कभी लड़के वाली लाइन में फिर भी फिर मैं शुरू फिर मैंने ये करना शुरू किया कि कि अच्छा मैं नहीं उन्हें पता लगेगा कि मैं लड़की तो मैं लड़कों वाली में हूं। hmm. और फिर कभी उन्हें पता लग जाता है कि अच्छा लड़की है तो फिर वो बोलते थे कि आप लड़की वाली ah. लाइन में तो फिर

मुश्किल हो जाएगा आई रियली वेड दैट बट नहीं हो सका बट जब मैं इस्लामाबाद में थी तो आई वेंट टू एपटाबाद और इसी तरह लाहौर से फर्स्ट ट्रिप जो मेरा था आई वेंट टू ननकाना साहब ऑन बाइक तो That's... इस तरह से थोड़े थोड़े छोटे छोटे ट्रिप्स किए

It's also, I, I mean, I'm thinking this, maybe you can confirm this, okay? You, you started all this at a very young age. Most people, most people in Pakistan, they don't think about anything else before they graduate, including myself. क्या है क्या है। and a typical joe, when you see around, when you look around the people joe positions of power hold people who have platforms, they're typically of a bigger age, like kafi bada. So when you, a young person, started doing uh, community service and activism. Did you face any such situation in people were not taking you seriously? That you are so I do So how did you deal with that? Because I'm like almost 30 now and I, yes. nobody takes me seriously. Yes. <laughs> <Not at all>. <laughs> <laughs> so, <laughs> how did you? <laughs> i see a number of times. And in the beginning, I wasn't that much of a weight, I was very... वीक थी और वो विजिबली भी पता लगता था कि बहुत छोटी बच्ची है तो शुरू में तो वैसे ही कोई नहीं सुनता था अब आई वॉज लकी काफी सारी ऐसी स्पेसेस का हिस्सा भी थी जहाँ पे इट वॉज रिस्पेक्टेड तो सुनना है बात करना है लम्स की वजह से आई गॉट दैट प्लेटफॉर्म की काफी सारी जगहों पे यू हैड दैट स्पेस के प्रोफेसर से आप जब बात कर रहे हैं तो वो भी जब सुनते थे सुन <laughs> <a young> <laughs> तो मुझे शुरू में होता था कि <laughs> ये लगता था लगता था मेरी बात क्यों सुन रहे हैं बट जब वो थोड़ा सा वही लम्स के बबल से बाहर जब निकल के काम करना शुरू किया बाहर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कहीं पे जा रहे हैं वैसे आप जा रहे हैं डिफरेंट मीटिंग्स में तो बहुत मसला होता था कि लोग नहीं सुनते थे इवन आप ट्रेनिंग्स भी अपने इलाके में भी जा रहे हैं बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं तो अब हमारे कोर्सेज में मेरे से बड़े लोग भी हैं तो उनके सामने भी वो चीज बिल्ड करने में मुश्किल होती थी तो शुरू में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई की अच्छा शायद मैं इस तरह के ग्लासेस पहन लूँ तो मैं थोड़ी सी बड़ी लगूंगी <laughs> <ना था। laughs> ये चीज़ कर, <laughs> कर लूँ तो मैं थोड़ी सी बड़ी लगूंगी अच्छा मैं ड्रेसिंग इस तरह से चेंज कर लूँ तो मैं शायद थोड़ी बड़ी लगूंगी तो वो काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई की कुछ चीज़ों का फ़र्क पड़ता भी अब जैसे ग्लासेस के फ्रेम से थोड़ा सा मुझे मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा फर्क पड़ भी जाता है बट देन इवेंचुअली आई थिंक You need to realize के लोग हर दफा नहीं hmm. मतलब आप यू कैन नॉट डू मच अबाउट अदर पीपल मतलब आप जितनी Haan. भी कोशिश कर लें आप फ्रेम्स चेंज कर लें आप बड़े लग जाए आपकी एज हो भी जाए ना hmm. जिन लोगों ने नहीं सुनना वो नहीं सुनेंगेन पावर like, I mean, हाँ के. ये कैसे सीरियस लेंगे तो आई थिंक वो जिन्होंने नहीं लेना वो नहीं लेते मे बी वट आई डूंगाइंड पीपल जो कि सुनेंगे हु आर इंटरेस्टेड हु वॉन्ट टू डू द सेम थिंग जिनके साथ मिशन भी अलाइन कर रहा है जो uh, इस, जिनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरी एज क्या है बट जो इस चीज जिनके लिए ये चीज मैटर है कि मैं कह क्या आ रही mm. और जो इस चीज को वैल्यू करते हैं तो आई थिंक सराउंडिंग यूर सेल्फ विद राइट पीपल एंड राइट नेटवर्क तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट uh, है इंस्टेड के आप uh, उन लोगों से बात करते रहे जिन्होंने चाहे आप चालीस साल के भी हो जाए उन्होंने अपनी ईगो में mm. नहीं सुना दिल फील कि मैं ही ठीक हूँ बट hmm. uh, कुछ जगहों पे यू हैव टू गो टू सच प्लेसेस जहाँ पे लोगों को uh, चाहिए होता है कि एक सर्टेन एज का बंदा उनसे बात करे तो फिर वहां पे आपको कोई ना कोई ढूंढने पड़ते हैं यू हैव टू कनेक्ट सम अदर वेज मे बी कोई पर्सनल कनेक्शन आपको निकालना पड़े कोई बात आपको ऐसी करनी पड़े जिसकी वजह से दे स्टार्ट लिसनिंग टू यू आई थिंक वो सिचुएशन टू सिचुएशन फिर वेरी करता रहता है एंड इट्स अ बिग स्ट्रगल के आप अभी भी आप बैठे हैं एंड अब तो श, मैं बहुत खुश होती हूँ पिछले एक साल में मेरा वेट थोड़ा सा गेन हुआ है तो ना आई लुक आई डोंट लुक दैट बट अब अब मीटिंग्स में अब ल, नजर आने में बहुत छोटी नहीं लगती mm -hmm. तो वो इतना ज्यादा मसला नहीं होता mm -hmm.

want to talk about urdu art. i know a different conversation <laughs> uh -huh. hai but i, I just, I just want to point out that yeah. we've been talking for a while and we are not even halfway through the things that, that we wanted to done. talk about and, yes. and the things that you've done like we've been talking about everything so you've done so much mashallah, yes. mashallah. Yes. and we're still we're still left with a lot of things that we want <laughs> to talk about <laughs> so like urdu art and i think it's a brilliant initiative मोस्टली बिकॉज आई फील के उर्दू को कोई उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता जितनी देनी चाहिए अ लॉट ऑफ पीपल इन आर जेनरेशन वुड बी सो इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच स्पेनिश जर्मन वट नॉट बट बेसिक उर्दू जो है ना हम सबकी ख़राब है एंड आई फील लाइक शायद अब थोड़ा सा फिर भी वो एक आ रहा है कि यार अच्छा हाँ अपनी जुबान है वो आनी चाहिए बट दरम्यान में देर वॉज दिस पार्ट वेर पीपल वुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट उर्दू नहीं दुने आती, आती, आती है आती क्या है तो लाइक वॉट उसका आइडिया कैसे आया और आई मीन आई जैसा लर्न मोर अबाउट जो कि मुझे बहुत एक्साइट करता है ठीक है अच्छा सो तो अः जब मैं छोटी थी तो मुझे बचपन से उर्दू बहुत ज्यादा अब उन्हें पढ़ाई है वो रोज कोई हर महीने जैसे ही उनकी सैलरी आती थी, थी तो फौरन हम दुकान पे जाते थे और कोई नई उर्दू की कहानियां ले आएंगे और मुझे देंगे कि ये कहानियां पढ़ो एंड कहानियों के अलावा भी उर्दू ग्रामर क्योंकि आप ग्रामर वैसे सीखते नहीं है उर्दू की नॉर्मली स्कूल वगैरह में भी होता है कम्पोनेंट पढ़ना ज्यादा नहीं है तो वो उर्दू ग्रामर की भी किताबें ठीक है इंग्लिश में भी उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया लेकिन उर्दू ग्रामर की भी वो मुझे किताबें लेके आ

और वो उन दिनों में ढूंढ भी रहे होते हैं एफ अच्छा एफएससी मैट्रिक है तो इस वजह से वो प्रेफर करते हैं तो उस वजह से मैंने फिर शुरू की एक दो बच्चे थे उनको उर्दू पढ़ाना शुरू की फिर इसी तरह से फिर मैंने फिर मैं उर्दू में उन दिनों लिखती भी बहुत ज्यादा थी जब मैं बाई चला रही हूँ शुरू में मैं साइकिल चलाती थी आ, तो साइकिल चला रही हूँ तो शुरू में जब मुझे मसले आए कि लोग स्टेयर कर रहे हैं कोई मसला हो रहा है तो उसपे मैं कोई आर्टिकल सा लिख दूंगी और वो अपने एक ऐसा साथ बस जिस तरह से कम्युनिकेट uh, करने तो वो मैं लिख रही हूँ तो मैं बहुत ज्यादा अपने फेसबुक पेज पे लिखती थी या व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ लिख के और मैं पोइट्री भी लिखती थी तो आ, वो भी मैं स्टेटस पे लगा रही हूँ तो फिर मैंने काफ़ी सारे ना ट्यूशंस के ट्रायल्स दिए थे साइंस सब्जेक्ट्स के लिए जहाँ से ट्रायल देने जाती थी उसके बाद मुझे कोई नहीं बुलाता था बिकॉज देवर प्रेफरिंग ओहे लेवल्स का कोई स्टूडेंट आके पढ़ाए सब्जेक्ट सी, ही उनके ओल लेवल्स के थे तो फिर मुझे एक कोई एक जगह में ट्रायल देने गई उन्होंने रीच आउट किया कि अच्छा मेरी बेटी को ना उर्दू पढ़ानी है अब दोबारा तो मैं आपको बीस हजार रुपए दूंगी करना मैंने सिर्फ ये था मैंने एक घंटा जाके बैठना है वो खुद ही पढ़ेगी और सिर्फ उसको जहाँ पे हेल्प चाहिए मैंने कहा तो अच्छा काम है लाहौर में पीपल पे दिस अमाउंट बीस पच्चीस हजार आपको देते हैं होम ट्यूशन का घंटे तो मैंने कहा अच्छा अच्छा आइडिया उर्दू इज समथिंग कैन बी एक्सप्लोर्ड कि अच्छा yeah. लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में और कोई इस तरह से सर्विसेज ऑफर नहीं कर रहा तो मुझे एक ओवरसीज पाकिस्तान ने ट्विटर पे रीच आउट किया एंड ही सेड कि मेरी बेटी को उर्दू बोलनी नहीं आती तो आप आई नो कि आपने उर्दू बोलना कभी नहीं सिखाया बट मे बी यू कैन ट्राई एंड गिव इट अ शॉट तो हम देख लेंगे इफ इट वर्क्स तो फिर वी कैन लाइक गो अहेड विद दिस और मैं आई एल पे यू टेन डॉलर्स पर और आई गेस उन्होंने कहा था तब

<laughs> <जाता हुई। laughs> तो आई आई कैन एक्सप्लोर दिस फिर मैंने थोड़ा सा बैठ के रिसर्च करना शुरू की कि अच्छा मैं किस तरह से फिर इसको मजीद पढ़ाऊं मैंने कहा अच्छा ये वर्ड्स वोकैबुलरी ये करा दूंगी और फिर ग्रामर पढ़ाऊं अगर तो ग्रामर के थ्रू शी कैन लर्न कि किस तरह से सेंटेंसेस बनाने हैं बोलना है तो मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया वो एक तरह से मेरा टेस्ट स्टूडेंट थी तो उसने थोड़ा बहुत और फिर कुछ सेशंस के बाद वो बोलना भी शुरू हो गई थोड़े बहुत सेंटेंसेस बनाना nice. शुरू हो गई बेसिक वाले right. तो शुरू में उसको बिल्कुल है, है हूं इस तरह वाले सेंटेंसेस बनवा रही थी तो वो करना शुरू हो गई फिर इसके बाद मैंने वो आई आई थॉट कि अच्छा मे बी आई कैन ऑफर दिस सर्विस टू मोर ओवरसीज पाकिस्तानीज वो काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे कि अच्छा हमने ये करना है तो फिर मैंने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया एंड देन मैंने उस अपनी स्टूडेंट की अम्मी को कहा कि आप इसको रीट्वीट कर दें अपने नेटवर्क में शी रिटिटेड तो उनके नेटवर्क से कुछ और लोग आ गए अच्छा, जो कि nice. इंटरेस्टेड थे तो उनके साथ शुरू किया फिर मुझे एक आ, आ, इसी तरह से मैंने एक पोस्ट की हुई थी वो रीट्वीट पता नहीं अब दो तीन पेरेंट्स ने की तो सम सममली किसी ने मुझे मैसेज किया शी वॉज स्टडिंग एट हारवर्ड एट दैट टाइम <laughs> um, और उसने कहा कि मै वॉज अस्ट उसके पाकिस्तान पर लिखती रहती हूँ बट मुझे आपके ना आर्टिकल पढ़ने में और चीजें पढ़ने में मुश्किल होती है मुझे समझ नहीं आते uh, तो I'll pay you पर और, और आ मुझे उर्दू पढ़ा दे अच्छा जब क्ला, क्लास हो रही है उसने मुझे ट्रायल क्लास में कहा सेवेंटी फाइव डॉलर पर आवर तो वो थोड़ा एक्सेंट का भी फर्क होता है तो मैंने कहा

कुछ पेरेंट्स ने ये भी कहाक्चर uh, पढ़ाया तो उसने कहा ठीक है मैं दे देती हूँ <laughs> <laughs> उसने भेजे तो मैंने कहा अच्छा वाकई डॉलर तब बारह हजार थान फाइव डॉलर डॉलर का रेट कम था अनफॉर्चुनेटली बट मे बी फॉर्चुनेटली तो फिर वो जब उसके साथ मैंने करना मैंने कहा दिस इज समस आई कैन लॉट मनी थ्रू दिस फिर मैंने वो अलग से उर्दू और का पेज वगैरह पेजेस वगैरह अलग सेटअप किए एंड देन वो मैंने ब्रांडिंग उसकी वेबसाइट वगैरह वे बनाई मुझे ऑलरेडी विक्स और वो वर्ड प्रेस आता oh yeah. था मैंने खुद ही वेबसाइट I mean, बना nice. ली और खुद ही वो सारा कुछ कर दिया और फिर मैंने जो है रेगुलर क्लाइंट्स ढूंढना शुरू कर दिए फिर मेरे पास एट एनी गिवन टाइम टेन फिफ्टीन स्टूडेंट्स होते थे जिनको मैं पढ़ा रही हूँ और फिर वो कुछ वीकेंड्स में पढ़ते थे कुछ डेली पढ़ते थे तो फिर वो अगर दस डॉलर भी आपको फिर मैंने दस फिर मैंने वो एक रे, रेट सेट किया टेन डॉलर पर क्लास हाफ एन आवर की क्लास होती है, है। तो वो एक घंटे के लिए फिर मुझे ज्यादा लगने लगे एक घंटा नहीं दस डॉलर एक क्लास कर लूंगी और सेवेंटी भी एक वन लकी क्लाइंट बट इतना ज्यादा कोई भी नहीं देता दस डॉलर में भी लोगों ने पूछना शुरू कर दिया आपकी कोई पी एच डी है उर्दू में यू आर चार्जिंग है अगर आप किसी लाइक एक्चुअली इफ यू टीच अमेरिकन लाइक जनरलीट तोल आर्ली रेट इज लाइक ट्वेंटी अगर आप कोई साइंस हाँ अगर आप कोई साइंस और रिसर्च सब्जेक्ट में तो देवन पे यू फिफ्टी डॉलर पर आसो वो जो पाकिस्तानी है जब कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो कहते हैं इतने ज्यादा पैसे बनेंगे या तो आप तो सेटल तो बाहर हो गए तो लेकिन अभी भी कन्वर्जन के डॉलर और उस वाली समस्या जो है तोने पर तो फिर उनको भी भरना है ठीक है आपने नहीं पढ़ा ना आप यू कैन फाइंड अनदर ट्यूटर तो आप ढूंढ ले आम, तो फिर वो क्या फिर दरमियान में आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के जब वो एक एल एम बना के रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे आई ऑल्सो मेड सम स्टोरी बुक्स भी बनाई वो फिर मैंने जब वो एक्स में स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही थी फिर उन्हीं कोई मैंने प्रोजेक्ट दिया कि इलस्ट्रेट कर दें ये कहानी है उन्हीं में से किसी स्टूडेंट से मैंने एक से उर्दू में कहानी लिखवाई फिर एक और स्टूडेंट ने उसको इलस्ट्रेट किया एंड देन वी डिजाइन द बुक तो वो सारा कुछ किया बट देन इवेंचुअली आई हैड टू स्टॉप बिकॉज ये भी चल रहा है यूनिवर्सिटी भी चल रही है एक्सवे भी चल रहा है

they don't nah, I don't they belong, belong here belong. I don't belong in Pakistan because Belkul. वहाँ पे they can't speak in Urdu I, I don't belong here because I'm a brown person yeah. uh, among in in this country so it's very important and then also through language you can connect with your culture क्योंकि आपको uh, आप वो वाली कहानियाँ पढ़ेंगे तो जो आप उर्दू में पढ़ेंगे और उर्दू में समझेंगे that is different from आपको वैसे ही कोई बता रहा है कि पाकिस्तान में क्या culture <laughs> है yeah. तो वो हम story भी जब पढ़े हैं या फिर हम different चाहे वो जर्नलिस्ट के साथ हम आर्टिकल्स mm. पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के उर्दू वाले या कोई भी चीज पढ़ रहे हैं mm. और जब हमने uh, मजे की बात जब मैंने उसको वगैरह पढ़ाने शुरू किए तो हम बीबीसी उर्दू के ना आर्टिकल्स पढ़ रहे होते थे और उसको रीड करके we, we, we तो तब आई रियलाइज बी बी सी उर्दू भी उदू ठीक नहीं लिखता। ये इतनी फनी <laughs> बात है कोर्सेज um, so you know like ऑफर हाँ. uh, होते हैं दूनिवर्सिटी माई मास्टर्स वहाँ पे उर्दू was being offered as a language. Achha. तो अब मैं enrollment के लिए courses देख रही हूँ I C के उर्दू का एक उन्होंने वो किया हुआ I कि है I was like ये क्या scene है I opened it up एक English word पढ़ा रहे I was like this will be interesting like, <laughs> I, I would have I would have thought how did ये, ये क्या <laughs> क्या scene kya hai yaar ek job जो हम कर सकते हैं वो oh क्या हम से ले ली it's kind of our fault ab कितने उर्दू स्कॉलर वी कैन नेम टॉप हेड वी है true, can, yeah. एक जनरली ट्रेंड भी कम होता गया लिटरेचर का वैसे भी ट्रेंड काफी कम होता गया

गलत है उनकी इमला भी गलत है hmm. तो मतलब okay, जब जबरदस्ती गलत है <laughs>

Students, <laughs> so yeah, okay. know, I'll stick with <laughs> <them> overseas. <laughs> I understand it's very heartbreaking yeah, too. Yeah, yeah. Because <laughs> even with even with tech, um, typically, when you services provide, website banani platform mm -hmm. so it's it's not a cheap thing, right? Yes. <clears throat> you're providing valuable skills to the table. So great. whenever you work with.

All over again. Would you change anything, change, differently, or would you follow it exactly like it is? I think I'll follow it exactly like this. As right. a bystander, I, I would want her to follow <laughs> it because like this. obviously, yes. Like in, अच्छा ऐसे जो भी सारी चीजें उसमें I don't have any regrets as such, कि अच्छा ये चीज ना करती तो शायद hmm. कुछ मजीद बेहतर हो सकता था मे बी हाँ ठीक है कोई uh, लेकिन I think वो पॉसिबल जो चीजें अगर मैं चाह रही हूँ मैं ये ऐसे नहीं ऐसे करती तो आई थिंक वो

सारा टाइम दिन में मतलब पढ़ाई कर रही हूं फिर सारा टाइम काम कर रही हूं या फिर सो रही हूं hmm. तो उसकी वजह से आई कूडेंट गेट टाइम टू स्पेंड विद हिम या फिर दोस्तों के साथ उस तरह से अब आई रियली रिग्रेट के मेरा जो लम्स का भी टाइम था उसमें मैंने बहुत ज्यादा दोस्त नहीं बनाए hmm. लोगों को मैं जानती थी बट वो जो एक लम्स की लाइफ आप इंजॉय करते हैं आप दोस्तों के साथ हैंग कर रहे हैं इधर जा रहे हैं पार्टीज कर रहे हैं तो मुझे वो सारा मौका नहीं मिला तो आई रियली वॉन्टेड टू हैपन तो नहीं हुआ बट नाउ आई एम लाइक कि अच्छा ठीक है अभी भी मैं अगर सोचूं कि अगर मैं चेंज करती तो मैं उसको करती तो फिर ये तो of yeah. मे तो फैमिली के साथ भी टाइम yeah. स्पेंड करी हूँ जो चीजें नहीं कर सकी थी अच्छा एंजॉय नहीं कर सकी अब मैं ट्रिप्स पे चली गई या दोस्तों के साथ किसी के साथ भी तो आई थिंक नाउ आई कैन डू दैट तब अगर मेरे पास मौका ही नहीं था तो फिर वुड आई थिंक द इम्पैक्ट दैट क्रिएटेड बेस्ड ऑन ऑब्वियसली एक इंसान कंपार्टमेंटलाइज तो करनी ही पड़ती है ना अपनी जिंदगी चौबीस घंटे है दिन में अगर आप उधर स्पेंड कर रही होती तो ये सारा इम्पैक्ट क्रिएट ना हो रहा था एंड आई थिंक हमने जहाँ से पॉडकास्ट स्टार्ट की थी यू आर लाइक एन एग्जाम्पलरी पर्सन एट दिस पॉइंट स्पेशली फॉर यूथ ऑफ कंट्री इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ठीक है फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना जरूरी है लेकिन एक हद तक यू डोंट हैव टू गो आउट एवरी डे विदिंग योर यूथ to make like a difference in the world that's so much better because like when you grow up and look back ke acha yaar maine kya kiya to this will probably make you so much more happier yes. in the long run ha हाँ. long run mein wahi hai na ki aap shayad thoda sa time doston ke sath tab bhi spend kar leti but like tab अगर वो थोड़ा सा भी कर लेती तो इतना ज्यादा कुछ और हाँ, impact, impact ना create हो सकता होता, exactly. uh, so I think it was it is better बेटर it इट इज मोर फुलफिलिंग

exactly यही पूछना था कि इन सारी वजह से डेडी do you feel के पर्सनल लाइफ ने कोई हिट ली है कि okay, but you've already talked about that तो so, since we are talking about impact वैसे created for like other people um, I know ye ek बड़ा ही शायद छोटा सवाल है as compared to everything else that we're talking about like and I love talking to especially girls about this ke um you know when you grow up तो योर पेरेंट्स लाइक स्पेषली इफ दे आर योर बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम तो जब भी आप कुछ भी सक्सेस अचीव करते हो तो लॉट ऑफ टाइम्स योर हैप्पीनेस इज नॉट जस्ट द सक्सेस बट लाइक वेन यू सी योर पेरेंट्स बींगी दैट गिव होल अदर वो अच्छा दीज पीपल हैप्पी तो डू यू आई एम श्योर यू रन इन टू दैट सो मच हाउ डज

तो तब आई वॉज लाइक कि अगर मैं चार साल कर भी लेती हूँ मेरे पेरेंट्स बहुत बूढ़े हो जाएंगे तब तक और मतलब अगर मुझे कुछ करना भी है एंड वॉन्ट आई वॉन्ट टू सी दैम हैप्पी तो बहुत लेट हो जाएगा uh, तो आई वॉज़ लाइक कि नहीं कुछ करना है तो अब आई फील कि आई आई अक्सर मैं सोच रही होती हूँ अलहमद आई फील वेरी हैप्पी अबाउट दिस के काफ़ी दफ़ा ऐसे मोमेंट्स होते हैं वेर आई आई कैन डू समथिंग फॉर देम या फिर कुछ हो रहा होता है आप कहीं जा रहे हैं फैमिली के साथ एंड यू सी दैम स्माइलिंग अब उनको खुश देख रहे हैं तो इट फ़ील्स वेरी गुड के लेट नहीं हुआ लेट हाँ, <laughs> so नहीं हुआ यू यू डिड इट ऑन द ठीक है बहुत जल्दी भी नहीं हुआ hmm. uh, शायद थोड़ा सा लेट हो भी गया बट एटलीस्ट देयर टू सी योर सक्सेस एंड दे आर हेयर टू एंजॉय दैट विद यू तो वो खुशी होती है कि अच्छा दे आर सींग सींग इट और आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं अभी बी जस्ट आई रिमेम्बर सो आम मेरी अम्मा हर दफा कहती थी कि अच्छा ना हमारी जो शादी उनकी शादी जब हुई थी तो उन दिनों गवर्नमेंट ने कुछ वो किया था कि आ, वो नाप शादी पे कोई भी खाना नहीं बनाएंगे जादिये जादिये और नवाज शरीफ का थिंक नवाज शरीफ ही था आई तो बहुत डब्बा सिस्टम था तो आई थिंक हमारी शादी पे तो खाना <laughs> भी नहीं बना और मतलब लाइक गेस्ट भी आपको लिमिटेड इतने लोग शादी पे आएंगे अदरवाइज जेल हो जाएगी तो ये वो तो फिर वो अक्सर कहते हैं हाँ इनको तो अबू को बोलते हैं इनको तो मौका मिल गया कि अब हमें कम लोग बुलाने <laughs> 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 तो वो अक्सर इस तो इसको वो बोलती रहती थी फिर अभी उनकी ट्वेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी थी लास्ट ईयर uh, तो मैं तो वैसे यूनिवर्सिटी चल रही थी एंड देन आई थॉट के अच्छा शुगर है वीकेंड पे वो वो दिन वीकेंड पे बना मैंने कहा आई कैन ट्रेवल बैक तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मे बी वी कैन सेलिब्रेट इट लाइक वेडिंग कर सकते हैं Wow. <laughs> तो फिर आई प्लान एवरी थिंग और मेरे भाईयों को कहा मतलब मेन इवेंट था, था तो एनिवर्सरी तैयार की वाले शादी वाले एंड देन बिफोर दैट फिर माई फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली भी वहां पे मतलब डांस वगैरह और इस हर सारी चीजों के लिए बहुत सब एक्साइटेड होते हैं तो बिफोर द मेन एनिवर्सरी हमने वो मेहंदी का भी एक छोटा सा

सो आई रिमेंबर आई वॉज इन आई थिंक नाइन्थ क्लास में थी तो मेरे एक टीचर ने अकेडमीज की ओरटेशन थी तो उसमें ही वॉज रिसाइटेड दिस तो आई थिंक दैट वॉज माई मोटिवेशन आई 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 थिंक मे बी इट कैन गिव मोटिवेशन टू अदर्स जो हुआ आर स्ट्रगलिंग और जिनको लगता है मे बी वी कैन नॉट डू दिस तो दैट शेयर गोज़ लाइक के टूटी हुई मुंडेर पे एक छोटा साथ दिया टूटी हुई मुंडेर पे एक छोटा सा दिया मौसम से कह रहा था आंधी चला के देख दिस इज समथिंग आई थिंक एवरीवन अबाउट दिस सो दिस आल्सो

try हाँ, to understand ke iska matlab kya hai aur nahi वैसे भी ये emphasize essentially करता है ना कि लाइक नो मैटर हाउ स्मॉल यू आर द चैलेंजेस दैट यू फेस यू शुड नॉट बी अफ्रेड वो इकबाल exactly, का भी वो जो दूसरा एक तुंदी है बाद मुखालिफ सना का आई का मेरी उर्दू बहुत गंदी है मैं नहीं इस शेर के साथ जाती नहीं करूंगा आई विल नॉट आई विल नॉट आई एम नॉट गोना बट आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट आई एम नॉट या इट्स द फैक्ट कि मेरी आई विश मेरी उर्दू इतनी अच्छी होती जितनी मैं देखती हूँ लोगों की है Yeah. Uh, it's it's I I would actually blame my school for this. <laughs> if I you're have listening. no excuses. My mother <laughs> has a background in Urdu literature, I have no excuses. <laughs> yeah. uh, anyway, message ye kar Toh, any message that you wanna give young people, people nia, yeah, at any people, any age range yeah. people, so a difference make karna society. Man. Hmm. इसमें मे भी यंग पीपल के लिए तो एक मैसेज हो ही गया है तो मे बी आई लाइक टू गिव दिस मैसेज टू पीपल हु आर डूइंग गुड वर्क हु आर इन द सोशल सेक्टर या फिर कहीं भी चाहे वो टेक में ट्रेनिंग्स करा रहे हैं कुछ भी करा रहे हैं तो आई रियली वॉन्ट टू एम्फसाइज एंड अगेन टॉक के हमें वी फील दिस नीड के टू एनरोल द स्टूडेंट एंड टू अट्रैक्ट द पीपल वी फील दिस नीड कि हम भी मार्केट करें कि आप लाखों रुपए कमाएं या फिर आप ये चीज करें बट मे बी डू द राइट मार्केटिंग बिकॉज अदरवाइज यूथ उम्मीद अगर अपनी खो देगी और हमारी गलत मार्केटिंग की वजह से हमारी गलत उम्मीदों की वजह से जो हम उन्हें दिला रहे हैं तो फिर इट विल भी वेरी डिजास्टरस तो मे बी डू द राइट थिंग डू द राइट मार्केटिंग इनस्टेड ऑफ गिविंग फॉल्स होप्स शायद छोटा दिखा दें उस चीज को लेकिन बहुत बड़ा झूठना दिखाएं कि कल को कोई उम्मीद खो बैठे आपकी वजह